अच्छा जी, अभी मैं इधर आया हूँ और इधर जो गाइड है हमारा इस चर्च का, तो इधर गाइड होते हैं हर टाइम, आप गाइड को बुक करके वो आपको गाइड कर सकता है। तो आज हमारे पास अभी गाइड है। सो हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Ken Dong Wahamson. Yeah. Can you berätta lite grann om kyrkan historia? Kyrkan kommer från en dansk från början, den är inte svensk. Den är byggd av en dansk kung som hette Kristian den fjärde. Och den byggdes mellan åren 1618 till 1628. Vänta lite, jag måste översätta. Okej, då ger banda kära ke Danish king Christian IV, usne ye 1600 to 1628 को ये जो चर्च है, ये चर्च उसने तामीर किया है। Detta som vi står i här är det så kallade vapenhuset. Man fick inte ha vapen med sig in i kyrkan. Då fick man ställa ifrån sig dem här. Och på den tiden var Kristianstad en fästningsstad, så fästningsmuren gick precis här utanför. Det var alltså en militär fästning, detta. Det var ett lås mot svenskarna. Svenskarna och danskarna var alltid i krig med varandra. Ja, तो ये बंदा कह रहा है ये जो मेन एंट्री है, मेन एंट्री जो उस टाइम जो वेपन इधर रखते थे, जो जंग लड़ते थे वो सफाई इधर जंग लड़ते थे, तो इधर ये वेपन इधर रखते थे और फिर अंदर चर्च के अंदर जाते थे। और ये वाला सामने जो रोड आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो ये मिलिट्री परेड के लिए ये उस टाइम यूज़ होता था। तो मिलिट्री परेड जो साल में एक दफ़ा होता है, तो वो ये वाला रास्ता यूज़ करते थे। Här ute i vapenhuset ser vi en del gravstenar, det är tungstenar. De har legat på golvet inne i kyrkan, så folk har varit begravda under kyrkgolvet här. अच्छा, ये वाला जो आप लोग नज़र आ रहा है ये हिस्ट्री, ये आप लोगों ने पढ़ नहीं है, मगर ये है जो कब्र में यूज़ होता है वो वाला पत्थर है। और इस चर्च के नीचे बहुत सारे लोग दफन हैं। इस ये जो फर्श है, फर्श के नीचे बहुत ज़्यादा लोग दफन हैं। या Sen är det en sak. När de börjar där framme så är det dop i kyrkan. Då får inte jag lov att hålla någon föreläsning. Ja, okej. Då får vi ta det lugnt. Och jag är bara kvar till klockan tre sen. Ja, okej. Nej, det tar bara kanske 10 minuter eller 15 minuter, inte mer. Vi kan gå in och titta på orgeln här. Ja. Om du vänder dig om så kan du se. Ja. Den orgeln gjordes 1631. ये जो आप लोग नज़र आ रहा है, तो ये है लकड़ी से बना हुआ है, तो ये 1638 में ये बना है। Vem har byggt den här? Lorenz i Tyskland har byggt orgeln. Inte de sniderierna, för kommer från annat håll. Men själva orgeln, och den fungerar fortfarande. Så den levererades 1631. Armenika ek banda hai, usne ye cheez banayi hai 1631 mein, ye usne un logon ne इधर भेजा है और इधर लगाया 1631 से लेके अभी तक, ये अभी तक जो है ना यूज़ होता है और इसमें कोई मसला नहीं आ रहा है।
någonstans. De har legat här på golvet från början. Så man begravde alltså de här människorna här i Lund. अच्छा जी ये वाले जो कब्र वाली जो ये पत्थर हैं तो ये पहले स्टार्ट में ये वाले फर्श नहीं थी तो ये सारे पत्थर इधर लगे होते हैं लगे होते थे उस टाइम इस तरह के पत्थर सारे इधर बड़े बड़े पत्थर इधर लगे होते थे तो ये तो खैर नहीं मगर इस तरह के बड़े बड़े पत्थर तो ये इधर फर्श पे लगे होते थे अभी नया इसकी रेनोवेशन की है तो इसलिए ये फर्श उस टाइम लोगों ने जो रेनोवेशन के बाद ये लोगों ने फर्श से ये पत्थर निकाल लिए हैं और कुछ इधर अब भी बाकी है या ले देर एट स्टिल टू वेट बॉर्न सुन कम हेट दम स्कूले यू डोपास मान डोप यू बॉर्न हाउ इज योर कैन दे यू से दे सम मान स्के गो हाउ फ्रॉम द मून Då fick inte barnen komma in i kyrkan, för de var hedningar innan de var döpta. Då döpte man dem i detta så kallade dopskranket eller dopkapellet. अच्छा जी ये जो आप लोगों नजर आ रहा है तो क्रिश्चियन रिलीजन में ये है कि जो बच्चा होता है तो बच्चे के बच्चा अगर एक हफ्ता चंद या एक साल का या जितना चार साल जितना का भी हो तो ये नहाते हैं उसको और उसको दूसरा नाम दे देते हैं तो उसको ये स्वीडिश में कहते हैं डोप सो ये बच्चों को ये क्रिश्चियन रिलीजन में ये है कि बच्चों को नहाते हैं कुछ साल बाद तो जब भी उन लोगों माँ बाप ने जब भी माँ बाप डिसाइड करते हैं कि इनको डोप करना है तो ये लोग इधर आते उस टाइम ये लोग बच्चे आते थे और इधर उसको नहाते थे इस तरह नहीं नहाते मगर ये है कि पानी जो है सर पे डाल देते हैं Ja. Den är skänkt av Kristian den fjärdes svärson som var en general som hette Ulfeldt. अच्छा जी ये शिरका जब बना था ये चर्च जब बना था तो क्रिश्चियन फोर उसका जो दामाद है वो जर्नल था उस टाइम मिलिट्री में तो वो उस जर्नल ने ये वाला जो लाइट्स उस टाइम तो खैर लाइट्स थी नहीं मगर इस यहाँ पे कैंडल्स यूज़ होते थे तो उसी टाइम En belgisk bildhuggare. Vad han hette kommer jag faktiskt inte ihåg, men det är gjort i svart marmor. अच्छा जी ये जो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बेल्जियम से आर्किटेक्चर था उसने ये बनाया है और इसमें जो पत्थर यूज़ हुआ है बेल्जियम से आया है और इटली से आया है तो ये जो बिल्कुल ब्लैक संगमरमर इसमें यूज़ हुआ है या Från 1631-32 kom de hit अच्छा जी ये वाले सामने जो आप लोग नज़र आ रहे हैं ये 1632 को ये सामने इटालियन आर्किटेक्चर और बेल्जियम आर्किटेक्चर उसने ये बनाया है अच्छा जी ये जो सामने आप लोग नज़र आ रहा है ये इस सिटी का मेयर था उसी टाइम और उसकी फैमिली उसके बच्चे Överste, som hans vapensköld. अच्छा मिलिट्री के लिए जो सिंबल यूज होता था और ये मिलिट्री के लिए तो ये उसी टाइम से 1600 से ये अभी तक इधर है
थे, उसके बच्चे और उसकी फैमिली, जो 1600 में ये शेर का बना है, उसका प्रेस्ट, पहला प्रेस्ट। अच्छा जी, ये थी थोड़ी सी वीडियो इस चर्च के बारे में, और ये बहुत खूबसूरत चर्च है। ये 1600 में ये तामीर हुआ है, और वो जो किंग था क्रिश्चियन फोर, उसका ये ख्याल था कि उसी टाइम इसको दारुल खिलाफा बनाया जाए, इस क्रिश्चियन स्टार्ट को, और उसका नाम था क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन फोर उसका नाम था फोर। तो वो लोग जब मिलिट्री वाले इधर आते थे तो वेपन इधर रखते थे सामने, जो मेन एंट्री में, और ये वाला जो रास्ता आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये मिलिट्री परेड के लिए ये यूज़ होता था, ये वाला पूरा रास्ता वहाँ तक। तो उसी टाइम 1600 से के बाद ये मिलिट्री के लिए यूज़ होता था, मिलिट्री परेड के लिए। और उसका ये ख्याल था कि भाई इस सिटी को बिल्कुल, जो गलियां हैं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी गली नहीं होनी चाहिए। तो इस पूरे क्रिश्चियन स्टार्ट में, अभी उसके बाद जो नई बिल्डिंग्स बनी है उसकी मैं नहीं कह रहा, कि उस टाइम में जो 1600 में जो ये सिटी बना है उस टाइम की मैं अगर बात करूं तो सारी गलियां बिल्कुल सीधी थी। तो ये थी आज की वीडियो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर अमान अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।